ऑल राइट, सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरे तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। और जैसे पता होगा, रिपब्लिक डे मतलब पहले तो राइड बनेगी आज ही, और आज की राइड में ऐसा मैं कोई ग्रुप ज्वाइन करके नहीं निकला हूँ, बस अपना सोलो राइड निकला हूँ। तो जस्ट जिधर जाना है उधर जाएंगे, रिपब्लिक डे मनाएंगे और आ जाएंगे सीधा, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल राइड रखेंगे। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ही आराम से निकल गया, ये 7:30-8 का टाइम हो रहा है अभी। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे फ्यूरी को जो भूख लगी है, पहले वो भूख मिटाते जाते हैं, पहले फ्यूल अप कराते बाइक को और उसके बाद राइड पे निकलते। और आज ऐसे राइड के लिए नॉर्थ बेसिकली यही होता है हमारा कि हम लोग रिपब्लिक डे का जो राइड निकलता है वो लोनावाला या फिर मरीन निकलता है। बट मैं आज दोनों भी जगह नहीं जाना चाहता, आज हम एक नया जगह जाएंगे जो यहाँ से ज़्यादा दूर है भी नहीं, और नवी मुंबई में तो ये सबसे फेमस जगह। आज यहाँ पर जो क्राउड रहेगा वो अलग लेवल का रहेगा, तो आज वही जाने वाले हम लोग। तो चलो देखते हैं, पहले फ्यूल अप कराते इसको, उसके बाद निकलते राइड पे अपने। तो चलो फ्यूल अप हो गया हमारा अभी, अभी बस सिंपल सा जाना है उधर पे अपना, जाके देखते हैं रिपब्लिक डे क्या हो रहा है। आज बहुत दिन के बाद राइड पे निकला हुआ, आप लोग को भी समझ रहा होगा क्योंकि बहुत दिन से यूट्यूब पे भी कोई ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो बीच में था कुछ थोड़ा बिजी शेड्यूल था, और एक और एक अपडेट देने वाला हूँ ठीक है। ये ब्लॉग आज के राइड के बाद मोस्टली मैं आज प्रोबेबली आज ही कर दूंगा या फिर कल, ज़्यादा से ज़्यादा आज से 1 से 2 दिन में अभी बाइक को हम लोग ग्राफिक करने वाले हैं। और जो ग्राफिक सोच के रखा ना, उसके बाद आरआर का लुक इतना चेंज हो जाएगा ना कि आप बोलोगे भाई हाँ, शहबाज ने बताया था कि 1 एंड ओनली आरआर रहेगी, और 1 एंड ओनली करके दिखाया उसने, बाकी बहुत सही दिखेगी आरआर, मज़ा आएगी आज के। बस एक बार आज का राइड मोस्टली तो मैं आज ही कर दूंगा इसे, ठीक है। ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा छुट्टी वगैरह का भी इशू रहता है तो फिर करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है नहीं। आज मैं जिधर जा रहा हूँ उधर हमेशा नॉर्मली यही होता है कि रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंट डे हो, वहाँ से ही राइड चालू होते हैं। बहुत से राइड उधर से निकलते, जैसे जो बुलेट्स के राइड होते हैं, यानी कि अपना रॉयल इनफील्ड के जो राइड्स रहते सब उधर से स्टार्ट होते हैं। बहुत राइड निकलते आज के दिन में वहाँ से, और वो लोकेशन भी वैसी मस्त है। तो देखते हैं आज उधर कितना क्राउड है, क्या है वहाँ के हलचल, और उस हिसाब से भाई देखते हैं। मेरा ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उधर जाके राइड स्टॉप कर दूंगा, उधर से माहौल बन गया, मोमेंट बन गया, मैं फट उधर से भी आगे निकल सकता हूँ, कुछ कंफर्म नहीं होता। और इसके लिए मैं सोलो राइड ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे को किसी के हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं होती, फिर मैं अपने मन से कर सकता हूँ। चलो थोड़ा खींचते, इतना रोड खाली है कैसे चुपटेंगे। दोनों के भी नींद फ्रेश हो गए, मेरी भी और बाइक की भी। क्या व्यू लग रहा है यार इधर का, इससे मस्त लोकेशन तो हो रहेगी। देखो हो गया, जस्ट फ्लैग ऑफ हो गया उधर, कितना बड़ा फ्लैग है देखो इधर। अकेला निकलो तो भी कोई ना कोई मिल ही जाता है। सो ये रहा पंपअप गाय, हम लोग कोई प्लान करके नहीं मिले, सडन मिले, और जैसे बोला था अभी इधर से निकलेंगे और बीबीसी जाएंगे जो हमारा बाइकिंग व्यू कैफ़े है, सब बाइकर्स मिलते हैं। अरे यही एक सबसे अच्छा सीन यही है कि हम इंस्टाग्राम पे सब जानते हैं एक दूसरे को, और ऐसे सडन मोमेंट पे मिल जाते हैं। कोई प्लान नहीं था, सोलो निकला था, अभी वो सडन मेरे को इधर मिल गया। तो अभी यहाँ से निकलेंगे, देखते हैं और भी उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं तो सब साथ में ही ज्वाइन करने वाले, निकलते सब साथ में ही। तब तक हमारे बाइक के हम तब तक फ़ोटो निकाल देते हैं। तो चलो गाइस निकलते हैं अभी यहाँ से, और अभी यहाँ से जैसे मैं बताऊँ डायरेक्ट हम निकलते हैं बीबीसी, तो अभी पावर ट्रॉनिक राइड होगी।
अभी मज़ा आएगी राइड करने में। कोई एक एड्रेनलिन बूस्ट करने वाला मिल गया ना, बस राइड सॉर्टेड हो जाती है एकदम। मज़ा आएगा अभी। ये देखो ये होता है लाइनअप। एक ट्रैम, एक सीबीआर। अरे मस्त लाइनअप लग रहा है। जीटी वाली फीलिंग आ रही है। पूरा ग्रुप देखो, सुबह से दो राउंड हो गए हम लोग के इधर। ये कैफे नहीं मिल रहा कोई सॉर्टेड। फाइनली एक स्पॉट तो मिला हम लोग को रुकने के लिए। अरे जीटी साथ में डालना, जीटी साथ में डालने का ना। अरे डालने वाले आप भी कर रहा है, वो दोनों कलर से मैंने मेरा बोला। ओ सूरज यहां पे जीटी है ना। इसको क्या हो गया? तो ये आज का लाइनअप देख लो। ये आज का लाइनअप हमारा, और ये सडन प्लान वाला लाइनअप है देखो। ऑलराइट, सो कॉफ़ी पी के हो गए हम लोग का इधर से, और अभी इधर मस्त शूट चल रहा है देखो, प्रॉपर फोटो शूट चल रहा है इधर। और क्या तगड़ा तगड़ा शूट किया हो यार लिटरली। आप लोग को मेरे यहाँ पे ना इंस्टा आईडी आ रहा होगा, इंस्टा आईडी पे आप देख लेना आज का क्या शूट हुआ है। पहले तो ये लाइनअप, उसके साथ में सब प्रॉपर फोटो शूट, मज़ा आ गया आज का। इतना फोटो सेशन चल रहा है ना, ओ अभी इधर प्रॉपर शूट होएगा, पूरा रोड खाली है। वो वाला मूवी याद आ गया।
अल्तमाज भाई तुम्हारा बाइक बीच में ले लो। हाँ एक ग्रुप फोटो लेते, नहीं नहीं ऐसा एक ग्रुप में फोटो लेते ग्रुप में। सब हो गया शूट बीट करके, अभी निकलने का टाइम हो गया, तो मज़ा आया आज का राइड देख के और पूरा शूट एंड ऑल करके सब मज़ा आया। चलो निकलो भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कभी फिर से। चलो भाई मिलते हैं भाई, सी यू सून भाई। चलो अच्छा लगा मिलके भाई, मिलते हैं राइड पे अपन। चलो भाई निकलो, मिलते हैं। चल भाई जे पण असेल आपल्या ग्रुपमध्ये बनवून टाक आणि ग्रुप बनव एक, आणि मी आहे ते डायरेक्ट ग्रुपमध्येच टाकतो सगळे फोटो बिटो। ग्रुप बना देता हूँ उसमें भाई, सब डॉक्स कर देना। हाँ सब डॉक्स कर देता हूँ। मज़ा आया यार आज की राइड करके। तो लिटरली हम लोग सब स्ट्रेंजर थे, ना कुछ प्लान ना कुछ पहचान, बस इंस्टा के थ्रू हम लोग मिले और बस मैं उसमें से एक को जाना था, पूरा ग्रुप दोस्त बन गया एकदम सॉर्टेड। मतलब बोले ना बाइकिंग का ये एक फ़ायदा है, यहाँ पे हम लोग को पहचान की ज़रूरत ही नहीं, एक बाइकिंग ब्रदरहुड जो रहता है ना जाके अटैचमेंट हो ही जाती है। मज़ा आ गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस ब्लॉग को अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। Till then, this is Shehbaz signing off.